मैं संजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूँ। वैसे चैनल मेरा अब नहीं है, आप ही लोगों का ये चैनल है। आप ही लोगों को इसको प्रमोट करना है, आप ही लोगों को इसका ध्यान रखना है, ठीक है? आप ही लोगों को इसमें लोगों को जोड़ना है, और जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उसके लिए उतने उतने बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आसपास के लोग भी आप जोड़ोगे तो वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप इसमें मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसका भी एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ, ठीक है? एक कंपोस्ट बनाएगा, एक रूम तैयार करेगा, एक मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग के ऊपर भी हम एक दो वीडियो बनाएंगे, ब्रांडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आपको अपना कैसे एक ब्रांड तैयार करना है, ठीक है? क्योंकि एक कहावत है कि जो जैसा दिखता है वैसा बिकेगा भी, ठीक है? अच्छी पैकिंग बिकने में बहुत हेल्प करेगी, तो इसीलिए 4 पार्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है। करीब करीब हमारा आधा पार्ट खत्म हो चुका है, बटन मशरूम का। आई थिंक 3 या 4 पार्ट में हमारा ये खत्म हो जाएगा। पिछली पार्ट पर हमने आपको बता ही दिया कि आपको अंदर बैग लगाने के बाद उनको बैग को कैसे से कैसे ढकना है। इसके साथ हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 5, और जो लोग सीधा पार्ट 5 देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले शुरू के पार्ट देखें, पूरे वीडियो देखें वन बाय वन, बीच में से कोई वीडियो ना देखें। स्किप करोगे तो आपका नुकसान है, फिर कल को आप मुझे ही दोष देंगे कि मैंने सही से नहीं बताया। आप सबसे पहले पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, डायरी और नोट्स के साथ देखें, लिखिए, ठीक? तो बहुत हेल्प करेगी। मैं खुद अपने नोट्स लेके बैठा हूँ, ये देखिए सब मेरे नोट्स हैं, ठीक है? ये बुक है मेरी, ठीक? बट बुक में से सिर्फ मुझे ध्यान आता है कि यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बतानी है। डिस्कशन एक्सपीरियंस मेरे इस बुक में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे हैं, ताकि आपको गलती की गुंजाइश से कम से कम। तो गलतियाँ तो होती हैं, इंसान गलतियाँ हो ही जाती हैं। और हाँ, एक आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरा जो टेलीग्राम वाला जो नंबर है, मैं टेलीग्राम पे हूँ, तो व्हाट्सएप वगैरह मैं कम यूज़ करता हूँ, टेलीग्राम मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, ना कि व्हाट्सएप पे, ठीक है? व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, बट टेलीग्राम पे आप जुड़िए मेरे साथ। तो काफ़ी लोग हमारे साथ उसमें जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर, अभी और बढ़ाने हैं, काफ़ी लोग लाखों में बढ़ाना है इस चीज़ को। चलो शुरुआत करते हैं पार्ट 5 की। तो अब जो आप उस पर जो आपके बैग तैयार हो चुके हैं इस तरह से, जो आपने अभी पिछले वीडियो सीरीज में आपने देखे हैं पार्ट 4 में, अब इनको क्या करना है कि आपको इन पर बार बार स्प्रे भी नहीं करना है, ठीक है? आप इसको काम कीजिए कि जैसे मान लो आपने आज स्प्रे किया, तो अगले दिन चेक कीजिए कि भाई गीला वो सूख तो नहीं रहा, आपको लग रहा कि नहीं सूखा नहीं है, गीला अच्छा है, छोड़ दीजिए। अगले दिन जब भी आपको सूखा लगे तब कीजिए, लेकिन ये बस 2 या 3 बार ही करना है। 2-3 बार करने के बाद आपको क्या करना है कि वो अखबार तो ऐसे ही लगे रहने देना है, वो जो आपने जो पॉलिथीन जो ऊपर जो पॉलिथीन का हिस्सा बचा होगा ना, ऐसे तो नहीं कि पूरे पॉलिथीन यूज हो गई है, पॉलिथीन कुछ हिस्सा बचा भी होगा जो आपने फोल्ड करके नीचे कर दिया होगा, अब उस हिस्से को खोल के ना उसको बंद कर दीजिए। लेकिन आखिरी बार स्प्रे करने के बाद, पानी के स्प्रे करने के बाद, और हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, पार्ट 4 में मैं मिस कर गया हूँ, पार्ट 4 में आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। पार्ट 5 में मैं बता रहा हूँ आपको, उसके लिए सॉरी जो तो मैं पार्ट 4 में मिस कर दिया, वो मुझे करना नहीं चाहिए था। तो आपको मैंने बताया ना कि जब पहली बार उसके ऊपर जब अखबार बिछा देंगे, उसके बाद आपको जो स्प्रे करना है वो 10 लीटर पानी में 20 ml फॉर्मोलिन और 5 ग्राम बायोएक्टिव मिक्स करने के बाद जो स्प्रे करना है, वो आपका सिर्फ पहला स्प्रे है उस केमिकल के साथ। सिर्फ पहली बार ही आपको यूज करना है कि 10 ml दो 10 लीटर पानी में 20 ml फॉर्मोलिन और 5 ग्राम बायोटिन डालने के बाद जो वो पहला स्प्रे है,
उसके बाद जो आप स्प्रे करेंगे ना बैग के ऊपर, वो सिंपल पानी है, सिंपल पानी होगा, उसमें आप कोई फॉर्मलिन और बाल्टीन नहीं मिलाएंगे, ठीक है। फिर पहले वाले स्प्रे में तो वो मैं मिस कर गया था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बोला कि गलती कर जाता है इंसान, देखो मैं भी गलती कर गया। तो इसको आप चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला स्प्रे सिर्फ उस केमिकल के साथ है, उसके बाद अगला स्प्रे आपको नहीं करना है, उसके बाद सिर्फ सिंपल पानी वाला स्प्रे जो हम पी सकते हैं, वो गर्म पानी भी नहीं करना है, सिर्फ ताज़ा नलके का पानी, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार गर्मी पड़ रही है और इसको मैं थोड़ा गर्म पानी पिला दूँ, नहीं, वो गर्म पानी इंसानों के लिए है, उनके लिए नहीं है, बस उनके लिए, उनको सिर्फ ताज़ा पानी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी से, तो दूसरी या तीसरी बार में उनको आप खोल के और पॉलिथीन को खोल के उनको बंद कर दीजिए, ठीक है, अखबार लगे रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। अब बात आती है कि आप ये कैसे पहचान करेंगे कि स्पॉन पूरा रन कर दिया है और केसिंग मिट्टी अब इस पर डाल रही है, ठीक है। नंदी और टेम्परेचर के लिए मैंने आपको ये वाला थर्मामीटर से टेम्परेचर मीटर सजेस्ट कर ही दिया है, परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया में काम करता है, मेरे पास ये दो रखे हुए हैं, पर मैं एक दूंगा नहीं आपको, आपको अपना परचेज करना है, ठीक है, तो ले लेना है अमेजोन से ले, ठीक है। तो उसको आपने बैग बंद कर दिया, अब आपको चेक करना है कि यार मुझे कैसे पता कि मेरा जो स्पून है वो पूरा रन कर दिया है। तो देखिए स्पॉन रन होने की पहचान ये है, आप ये बैग देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे छोड़ के इन बैगों को देखिए, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे ना, जब आपने पहली बार बैग रखे होंगे तो आपको बैग दिखाई दे रहे होंगे, वो क्या बोलते हैं, काले बाहर से। और हाँ एक चीज़ और, पॉलिथीन आपको व्हाइट ही लेनी है और किसी कलर की नहीं लेनी है, व्हाइट। ऐसे नहीं कि आपने येलो ले लिया, ब्लू ले लिया, काले पॉलिथीन, नहीं, सिर्फ वाइट, ट्रांसपेरेंट वाइट, ठीक है। तो वो ही यूज करना है। तो अब जैसे आप बैग देख रहे हैं, पहले जब आपने बैग में भरे होंगे तो आपको बाहर से वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता होगा, लेकिन जब केस पूरा रन कर जाएगा तो ये इस तरह से वाइट हो जाएगा, जैसे बर्फ पड़ गई है, ठीक है, इस तरह से आपको महसूस देना पड़ेगा। और ये स्पॉन रन करना शुरू कर देता है करीब 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद आपके धीरे धीरे बैग व्हाइट होने छोड़ जाएंगे, धीरे धीरे धीरे, उस समय आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपकी मेहनत है, ठीक है। मैं भी बहुत खुश हुआ था जब मैंने पहली बार व्हाइट होते देखा, ठीक है। और हाँ कभी कभी आपको लगेगा ना कि पोलोथीन के नीचे कुछ पीला पीला पानी जम रहा है, कहीं ये खराब तो नहीं हो रहा है कुछ, नहीं वो कुछ नहीं, वो ठीक है, वो ओके है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जम रहा है जम जाने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस आपका जो बैग है वो व्हाइट होना शुरू हो जाएगा जैसे बर्फ पड़ रही है, जब आपको लगे कि अब ये पूरे बैग व्हाइट हो गए हैं, सारे बैग व्हाइट हो गए हैं, ऊपर से अखबार उठा के देखेंगे ना तो ऊपर से भी आपको व्हाइट लगेगा, जाला मकड़ी का जाला इस तरह से लगेगा, ठीक है। वो होता है आपका कि हाँ आपका जो पूरा रन कर दिया स्पॉन, ठीक है, वो इसकी पहचान है। बाकी इसकी कोई ऐसी पहचान नहीं कि आपको 28 दिन में ही तैयार मिलेंगे, हो सकता है 20 दिन में तैयार मिल जाए, टेम्परेचर बहुत अच्छा चल रहा हो, 24 से नीचे है, 20 और 24 के बीच मेंटेन है, जल्दी मेंटेन हो गया, तो इसी चीज़ की ये उसकी पहचान है। अब अगला सवाल मशरूम कब निकलेगी, भाई केस तो रन कर चुका है, बता मशरूम कब निकलेगी, मशरूम बिना केसिंग मिट्टी के लिए नहीं निकलेगी, केसिंग मिट्टी भी तैयार कर लीजिए, और केसिंग मिट्टी तैयार आपके पास कम से कम पहले से रेडी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको रेडी होने में भी 3-4 दिन लग जाते हैं, 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो वो अब बीच के दिन हैं, बीच के दिन कौन से, बैग अंदर करने से लेके केस रन करने तक के जो बीच के दिन हैं उसमें आपको केसिंग मिट्टी तैयार करनी है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जब 15 दिन बाद आप बैग रखने से 15 दिन बाद आप केसिंग मिट्टी बनाने की शुरुआत कर दें, वो बहुत जल्दी बन जाती है, उसके लिए 28 दिन नहीं चाहिए होते हैं। तो आप जब पहली बार बैग अंदर रखेंगे रूम में तो उसके 15 दिन बाद आप केसिंग मिट्टी की तैयारियाँ शुरू करती हैं।
अब कृषि मिट्टी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, लिख लीजिए। तो जो जो रिक्वायरमेंट है कृषि मिट्टी के लिए, वो 2 साल पुराना सड़ा गोबर, ठीक है, 2 साल पुराना ही चाहिए, ताज़ा नहीं चाहिए। 2 साल पुराना चाहे फिर 3 साल हो चाहे 4 साल हो, लेकिन हो पुराना, कम से कम 2 साल पुराना तो हो जाए। बगीचे वाली मिट्टी, बगीचे वाली मिट्टी कैसी होती है, रेतीली मिट्टी होती है ना, जो पानी सोख लेती है, वो वाली मिट्टी। चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, जो जिसका गारा बन जाता है, ठीक है, वो नहीं चाहिए। रेतीली मिट्टी जो पानी सोख सके, वो वाली मिट्टी चाहिए, ठीक है। तीसरा, राख, राखी। अब राख हमारे यहाँ तो राख बोल, किसी को राख बोल रहे तो समझ जाएगा राख किसे कह रहा है, कहीं किसी को राख, कोई राखी के नाम से पहचानता है। तो ये कौन सी होती है, शुगर मिल होता है ना, शुगर मिल, शुगर मिल में समझो तो चिमनियों में से एक राखी निकलती है, काली काली सी, बहुत दूर दूर तक फैलती है, ठीक है, छतों पे पड़ी रहती है, ये फैल जाती है, ट्रक में भर भर के जाती है, वो ब्लैक वाली राखी, वो काली, उसको राखी बोलते हैं। वो आप शुगर मिल से भी ले सकते हैं, या जो शुगर मिल से जो टैंकर निकल रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए, वो हो सकता है आपको फ्री में दे दे, क्योंकि वो लोग फैक नहीं होती है, तो वो यूजलेस होती है। या जिनके यहाँ अगर शुगर मिल नहीं है, कम है, दूर है, तो जो जहाँ पे ये चावल चावल निकलता है वहाँ से भी राखी निकलती है, वो भी यूज कर सकते हैं, है ना, वो ब्लैक वाली। तो अब इन्हीं चीज़ों को क्यों यूज करना है, गोबर तो अलग चीज़ है, बट रेतीली मिट्टी, बगीचे वाली मिट्टी क्यों यूज करनी है, राखी क्यों यूज करनी है, तो उसका भी बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि इनके अंदर पानी होल्ड करने की क्षमता होती है, ये पानी सोख लेती है, ये आपस में मतलब कि कीचड़ नहीं बनाती, पानी सोख लेती है। आपने देखा होगा ना, रेता, रेते पर पानी गिरता है सोख लेता है, नीचे चला जाता है। रेतीली मिट्टी होती है, पानी गिरता है नीचे चला जाता है, जहाँ चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पानी नहीं सोखता, वहाँ रेत लोग बाहरी पड़ते हैं। आप चलिए रेतीली मिट्टी पे चलेंगे इजी चल जाएंगे, बट जो चिकनी मिट्टी है उस पर पानी पड़ा, आप चलिए चलते ही आप गिरेंगे धड़ाम में, ठीक है। तो उनमें पानी सोखने की जो क्या बोलते हैं क्षमता है, वो अच्छी होती है, इसीलिए हम ये किए। अब इनका रेशो अनुपात कि गोबर कितना मिलाना है, राखी कितनी मिलानी है, मिट्टी कितनी मिलानी है, अनुपात इनका ये है, देखें 2:1:1। 2 का मतलब है 2 तसले या 2 टोकरे गोबर, 1 टोकरा राखी और 1 टोकरा बगीचे वाली मिट्टी, ठीक है। गोबर को पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक करने का मतलब उसमें कीड़े कंकड़ पॉलीथीन ये चीज़ें ना हो, अच्छा हो, ठीक है, तो ये चीज़ें उसमें कूड़ा अगर ये ईंट वगैरह अगर आपको उसमें लेंगे तो वो चीज़ें अलग कर लीजिए। और जहाँ से आप मिट्टी डाल रहे हैं तो उसको मिट्टी को छान लीजिए, ताकि उसमें से जो कीड़े कीड़े सो वगैरह जो कंकड़ वगैरह है, पत्थर वगैरह है, वो निकल जाए, सिर्फ आपको एक रेतीली अच्छी मिट्टी मिले। राखी को छानने की जरूरत ही नहीं है, राखी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, ठीक है। राख ये होती है जिसको राख बोलते हैं ना, इन सब चीज़ों को आप मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बात, हाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ गया, देखिए, ठीक है, फिर किताब खोल लेना, पता नहीं चलेगा क्या लिखा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि 300 किलो भूसे से हमारा कंपोस्ट कितना तैयार होता है, और ये भी पता चल गया कि कंपोस्ट में बीज कितना मिलता है, कितने किलो में कितना बीज मिलता है, कितना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बट जो हमें मिट्टी अब इसके ऊपर डलेगी उसकी क्वांटिटी कितना होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया आप बहुत सारा गोबर आ रही है, मिट्टी आ रही है, बगीचे हो रही है, राखी वगैरह इकट्ठी कर ली, पता चला यूज तो होनी है 10% आप लिया है, 50%, ये सब चीज़ें नहीं। तैयार कंपोस्ट जो आपका 600 किलो तैयार कंपोस्ट है ना, मैंने एक राउंड फिगर लेगा लिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि 300 600 बनेगा, ज़्यादा ही बनेगा, पर मैंने राउंड फिगर ले लिया है कि कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो 600 किलो में 30% आपकी कृषि मिट्टी लगती है, ठीक है। ये भी एक कॉल है,
हमारे पास में ही है, मुझे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनसे बाद में बात कर लूँगा, अभी हम फिलहाल रिकॉर्डिंग पर ध्यान देते हैं। तो 30%, अब मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें देख लीजिए, फर्स्ट टाइम का। हमें बता दिया कि 20% लगेगी, हम 20% लिया, 4 टन के हिसाब से 20% लिया है। ओ वो पूर्ति नहीं, आधे में लगी रह गई, काफ़ी काफ़ी उसमें। फिर से दोबारा ले गए, गाड़ी करके गए, फिर से दोबारा लेता है। ठीक है, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ मेहनत वेस्ट। ठीक है, तो हमें 30% यूज कर लीजिए, मतलब 30% हमें तैयार करनी है। 600 किलो लेगा, 30% 180 किलो, यानी 180 किलो आपके पास कैसे यूज करेंगे। 200 किलो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पैक करके रख देना, अगले सीजन में काम आएगी, खराब नहीं होगी। तो 2 साल पुराना गोबर और रेतीली मिट्टी, बगीचा वाली मिट्टी और राखी, अनुपात 2:1:1 का, 2 तसले गोबर, 1 तसला क्या बोलते हैं बगीचे वाली मिट्टी, और अब बगीचे वाली मिट्टी नहीं बोलूँगा मैं, सीधा मिट्टी बोलूँगा। ठीक है, और 1 तसला आपका अच्छे से मिक्स कीजिए। तो भूरे रंग पे लग रही है मिक्स करने के बाद, तो आप इसमें एक काम कीजिए, जो आपकी जो राख है उसको थोड़ा और मिला लीजिए। लेकिन आप उसको राख को इतना मिलाइए कि वो जो आपकी केसिंग मिट्टी है वो ब्लैकपन पे आ जाए। ठीक है, उससे ऐसे आपको कोई रेशो बिगड़ेगा नहीं, वो आपका जो केसिंग मिट्टी फिर भी ठीक रहेगी, बट उसमें आप राख मिला सकते हैं, मिट्टी वगैरह आपको नहीं मिलाना है, और सिर्फ राख आपको मिलाना है, ताकि वो आपकी जो केसिंग मिट्टी है वो ब्लैकपन पे आ जाए। ठीक है, अब जब वो सारा मिक्स हो जाए, लेकिन मिक्स करने के बाद, अब क्योंकि गोबर है और मिट्टी मिट्टी भी है, ठीक है, तो उसमें कीटाणु जरूर होंगे, छोटे छोटे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे या आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और अगर हम ऐसे ही इसको केसिंग मिट्टी से हम केसिंग कर देंगे बैगों की, तो मशरूम निकलेगी नहीं। तो अभी हम इसको शुद्ध भी करना है, स्टेराइज जिसको हम बोलते हैं, मतलब स्टेराइज का मतलब कि अब हम इसका जो शुद्धिकरण करना है, ताकि इसमें से कीड़े मकोड़े या छोटे कीटाणु वो मर जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, फिर वापस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। 10 लीटर पानी, 500 ml फॉर्मोलिन और 5 ग्राम बावस्टीन, जो मैंने पार्ट 5 में बताया है, ये क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। आपको लगता है कि 10 लीटर कम है तो आप इसको डबल कर लीजिए, 20 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर फॉर्मोलिन ले लीजिए और 10 ग्राम बावस्टीन ले लीजिए। ठीक है, इनसे आपको उस केसिंग मिट्टी को फिर से वापस स्प्रे करना है। ठीक है, स्प्रे करने का वही तरीका है जैसा मैंने आपको बताया है, कि उसको सिर्फ अच्छी तरह से गीला करना है, उनके लड्डू नहीं बनाने हैं, तो उनको अच्छी तरह से आपको गीला कर दीजिए। और गीला करने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर उनको आप ढक दीजिए। ठीक है, ढकने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार पिक में देख लीजिए, पिक्चर में। इस तरह से आपको ढकना है, ठीक है, ताकि इसमें बाद में अंदर कीड़े मकोड़े ना जाए। तो इसके अंदर जो फॉर्मोलिन है, फॉर्मोलिन क्या करेगी, इसके अंदर के जो कीटाणु हैं उनको मार देगी, और जो केसिंग मिट्टी है आपको पूरी शुद्ध तरीके से तैयार हो जाएगी बैगों में डालने के लिए। ये आपको काम को कब करना है, जैसे आपने मैंने आपसे बताया कि बैग लगने के 15 दिन बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक मिट्टी तैयार कर दी। अब हुआ क्या कि आपने चेक किया कि भाई मेरा जो केस रन है, स्पॉन भी पूरा रन कर चुका है, अब मुझे इसमें केसिंग करनी है। ठीक है, तो केसिंग करने से 1 दिन पहले, ठीक है, जैसे सपोज करो आपको कल केसिंग करनी है, 1 दिन पहले जो ये ढेर लगा हुआ है आप इस पे से ये कवर उतार देंगे, और उतार के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको खुला ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा ये कि जब इसको खुला छोड़े ना, तो इसको कहीं किसी ऐसी जगह बनाएं कि जब आप इसको खुला छोड़े तो आसपास से कीड़े मकोड़े या हवा चलने से ना, या मतलब किसी कमरे में तैयार कर लें। ठीक है, या बाहर तैयार कर लें, बाहर तैयार करने के बाद किसी कमरे में ले जाके इसको किसी मिट्टी को रख के और इसको ढक दें। ठीक है,
फिर आज हम कमरे में से खोलेंगे तो वहाँ पे ऐसे कीड़े मकोड़े हवा के वजह से नहीं आएंगे, क्योंकि इनको हमें स्टेलाइज करना है, कीटाणु वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये काम आपका एक दिन पहले का, ताकि उसमें से जो फॉर्मोलिन की गंध है वो निकल जाए। ठीक है, उसको आप ऐसे पलट दीजिए, पलट में ढेर डोर कुछ ऐसा नहीं बनाना, बस ऐसे पलट दीजिए ताकि वो उसका जो फॉर्मोलिन है वो निकल जाए। और अब आपकी जो केसिंग है वो आपके केसिंग मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब केसिंग मिट्टी को आपको बैगों के अंदर डालना है। तो बैगों के अंदर डालने से पहले आपको क्या करना है कि जो हमने बैग के ऊपर जो हमने ये क्या बोलते हैं इस तरह से जो हमने वो लगाए हुए हैं अखबार इंग्लिश वाले, ठीक है, अब आपको इनको निकाल के तो कर देना है बाहर। ठीक है, और वापस पॉलीथीन का ऊपर से जो पॉलीथीन खोल के उसके अंदर से बाहर निकाल के वो तो आपको फेंक देना है। ठीक है, और वापस जो पॉलीथीन है उसको वापस आपको नीचे ले आना है। अब आपको जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट से आपको करीब 1.5 इंच, ठीक है, आप करीब मान के चले 1 सवा इंच, 1 सवा इंच ऊपर कर लेना है, मतलब कि ऊपर तक पॉलीथीन रखनी है। आप जब उसको मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद सपोज करो कि आपकी जो केसिंग मिट्टी यहाँ तक है, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान रखना, केसिंग मिट्टी यहाँ तक है, तो आप पॉलीथीन को मोड़ेंगे तो पॉलीथीन मोड़ने के बाद पॉलीथीन थोड़ी ऊपर ऐसे रह जानी चाहिए, यहाँ तक 1 सवा इंच ऊपर रह जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको 1 सवा इंच ऊपर क्यों रखना है कि जब हम केसिंग करेंगे तो 1 सवा इंच ऊपर तक करेंगे। ठीक है, आपको पूरा नीचे कर देंगे तो केसिंग मिट्टी बाहर गिर जाएगी, तो पॉलीथीन को 1 सवा इंच ऊपर से ऊपर तक रखें, बाकी फोल्ड कर देंगे और फिर उसके ऊपर आपको केसिंग कर देंगे। तो पॉलीथीन से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका एक समान केसिंग होगी, ऐसे नहीं कि कहीं ज़्यादा हो गई कम कम हो गई, तो एक आइडिया लग जाएगा कि 1 सवा इंच इतना है इतना फोल्ड करना है। सबसे पहले सारे बैगों का ऐसे कर दीजिए, उसके बाद जो केसिंग मिट्टी आपने तैयार कर ली है उस केसिंग मिट्टी को आप 1 सवा इंच तक इनके ऊपर, इन सब बैगों के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जितना भी मिट्टी लगे उतना चढ़ा दीजिए, ऐसे नहीं कि जो जितनी मिट्टी लगाई है सारी चढ़ानी है, नहीं, 1 सवा इंच। ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा करोगे तो क्या कि मशरूम जब निकलेगी तो अंदर रह जाएगी मिट्टी के अंदर, और तो कम करोगे तो उसकी डंठल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो वो बी ग्रेड में आ जाती हैं और फिर वो बिकती नहीं है, उनका दाम इतना अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, तो 1 सवा इंच की आपने लेयर कर दी केसिंग मिट्टी की, बाकी जो केसिंग मिट्टी बच गई है आप उसको आराम से किसी कट्टे वगैरह में किसी बैग में भर के रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में भी अभी थोड़ी थोड़ी काम आएगी। तो इतना होने के बाद जो आपके बंद कमरे हैं वो अभी तक बंद कमरे हैं, मतलब केसिंग करने तक बंद कमरे हैं। ठीक है, केसिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को खिड़की दरवाजे सारे खोल देंगे। ठीक है, जिससे हम बाहर की ऑक्सीजन, बाहर की हवा अंदर दे सके और जो अंदर CO2 लेवल जो मेंटेन हुआ है वो बाहर निकल सके। ठीक है, अंदर जो गर्माहट है वो हमें ख़त्म करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब टेम्परेचर हमें डाउन लाना है 18 डिग्री से नीचे धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं एकदम से, तो 2 घंटा आप सुबह खोलिए, सूरज निकलने से पहले खोलिए, 2 घंटा शाम को खोलिए जब भी आपको ठंडा मौसम ऐसे महसूस हो। ठीक है, दिन में खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर आपने मच्छर जाली लगाई हुई है वो लगी रहनी चाहिए, सिर्फ खिड़की दरवाजे खोलने हैं, मच्छर जाली हमेशा रहेगी, वो नहीं हटनी है, अगर वो हटाओगे तो बाहर से हवा चलेगी मच्छर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें मच्छर फ्री रखना है कमरा, या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। अंदर जो टेम्परेचर लगा हुआ है, टेम्परेचर मीटर जो लगा हुआ है उसको आपको डेली चेक करना है, उसमें ह्यूमिडिटी नमी 80% रहना चाहिए उसके बाद भी, और टेम्परेचर डाउन आते रहना चाहिए। टेम्परेचर को अब आपको 16 डिग्री से नीचे ले आना है धीरे धीरे करते करते, धीरे धीरे। ठीक है, जब 2 घंटे सुबह 2 घंटे खोलेंगे, 2 घंटे शाम को खोलेंगे, वो टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप 15 सितंबर से तैयारी करते हैं तो 15 अक्टूबर में कंपोस्ट अंदर हो जाएगी, और 15 नवंबर के आसपास क्या कि जब आप खिड़की दरवाजे खोलेंगे तो उस समय बहुत ठंडा रहेगा। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर तो हाई रहता है CO2 की वजह से, लेकिन जब
उसको खिड़की दरवाजे खोलेंगे, वेंटिलेशन, क्लोज वेंटिलेशन होगा तो टेम्परेचर नीचे भड़क हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें मेंटेन करना है 16 डिग्री से नीचे। 16 में तो कितने भी आ जाए, 14, 13, 12, 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन 16 से अब ऊपर हमें नहीं बढ़ाना है किसी मिट्टी के बाद। तो दो चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है कि केस रन करने के लिए, इसको मिलाने के बाद केस रन करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 24 के बीच में होना चाहिए, और केसिंग मिट्टी करने के बाद जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री से नीचे ले आना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे। तो इतना काम हो गया। अब बात ये आती है कि हमने केसिंग कर दी लेकिन अब मशरूम निकलेगी कहाँ, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पूरी तैयारी कर ली, हमें लगा बहुत अच्छा केस रन हुआ है, मिट्टी बन गया, केसिंग मिट्टी का बहुत अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। करने के बाद आपने उसको फैला दिया, जब आप उसको बैगों को पूरा आप तैयार कर देंगे, ठीक, केसिंग मिट्टी करने के बाद, तो फिर से आपको वही फार्मूला यूज करना है। 10 लीटर पानी, 20 ml फॉर्मालिन, और क्या बोलते हैं, 5 ग्राम, इस बार 7 ग्राम नहीं, इस बार 5 ग्राम भावस की मिक्स करके, वही जो ये वाली किसानों वाली जो होती है टंकी होती है, जो हम पीठ पे करके छिड़काव, पीठ पे लगा के छिड़काव करते हैं ये वाली, पहले तो वैसे आते थे हाथ से चलाने वाले, अब तो मोटर आ गई है, आप सिर्फ बटन दबाओ फटाफट, तो ये वाली आपको यूज करनी है। तो जो आपने मिट्टी, केसिंग मिट्टी की है, सबको आपको ऊपर से स्प्रे करना है। स्प्रे का मतलब नमी देनी है उसको, ऐसे नहीं कि पानी से तर कर देना है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, नहीं, कीचड़ नहीं बनाना, सिर्फ हल्का हल्का पार से नमी कर देना। ये फार्मूला सिर्फ एक ही बार यूज होएगा केसिंग मिट्टी में, जो आपने अभी डाला है, मतलब कि जिसमें आपने फॉर्मोलिन में बॉक्स मिलाई है, केसिंग मिट्टी करने के बाद फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप जितनी बार भी स्प्रे करेंगे सिर्फ सिंपल पानी, उसमें आप ये बिल्कुल यूज नहीं करेंगे फॉर्मोलिन और इन चीज़ों का, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपको जो है ना मेंटेन देखना है नमी, आपका थर्मामीटर जो आपका टेम्परेचर मीटर लगा उसमें नमी कितना है, टेम्परेचर कितना चल रहा है, और जो बैग पे जो आपने केसिंग मिट्टी की है उसकी नमी कैसी है, नमी कैसे पता करते हैं, ठीक है भाई, किसको पानी की ज़रूरत है केसिंग को नहीं है। वैसे तो नवंबर के बाद कमी जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं थोड़ा सा भी नमी इतना ठंडा नहीं है और पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैसे करना है उसका पहचान। आप ऐसे उल्टी तरफ से, इस साइड से नहीं, इस तरह से क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे जहाँ पर आपने केसिंग की ना, केसिंग के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ठंडक महसूस होगी थोड़ी, है ना, ऐसे लगे जैसे पानी है, हल्का हल्का पानी है बहुत। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपके स्प्रे करने की जरूरत नहीं है दूसरे टाइम में, पहले टाइम में तो जरूरत है केसिंग करने के बाद, लेकिन जब अगली बार पानी देना है तो उससे पहले ये चीज़ें चेक करनी। पर अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये आपको सूखा महसूस हो रहा है, ठीक, तो वापिस उसी टंकी से, 10 लीटर वाली टंकी या 15 लीटर वाली टंकी से सादा पानी, सिंपल पानी जो हम पी सकते हैं, उससे आप वापिस सारा स्प्रे कर दीजिए, और टाइम जो क्या बोलते हैं नमी, वही 80% आपको मेंटेन करके चलिए, 80% से नीचे नहीं लानी। अगर 80% से नीचे आ रही है तो वही आप स्प्रे, पानी का स्प्रे कर दीजिए, तो क्या बोलते हैं फर्श पे कर दीजिए या इनके दीवारों पे कर दीजिए, तो नमी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब आपका टेम्परेचर मैं आपका, अपने खिड़की दरवाजे भी खोल दिए हैं सुबह शाम, ठीक है, मेंटेन होना शुरू हो गया है। अब होता है क्या कि जब हम दरवाजे बंद कर देते हैं उसके बाद भी टेम्परेचर अंदर का 16 डिग्री से नीचे रहता है, तो अब आपको ये नहीं लगना कि चाहिए कि भाई आपको खिड़की दरवाजे नहीं खोलने हैं, 16 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आप उनको थोड़ा बहुत खोल सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, कि 16 डिग्री से टेम्परेचर नीचे है, प्रॉपर नीचे आ रहा है आपका, मेंटेन हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत खोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि अब मशरूम निकलेगा कब, ठीक है, तो मशरूम कितने दिन बाद निकलेगा केसिंग मिट्टी के बाद, वो हम आपको अगले वाले पार्ट में बताएंगे, जो हमारा अगला पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, अपनी डायरी में जो आप नोट कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं, वीडियो हमेशा आपके पास रहेंगी, यूट्यूब पर रहेंगी। तो इस पार्ट के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगले पार्ट में मिलते हैं, जिसका अगला वाला हमारा पार्ट होएगा, तो तब तक के लिए।
थैंक यू और धन्यवाद।